दोस्तों फास्टिंग के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना है? इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी रुक रुक के खाना, मतलब आप खाने को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही खाते हैं जिसे फीस्टिंग पीरियड कहते हैं, और जिस टाइम में आप खाना नहीं खाते और भूखे रहते हैं उसे फास्टिंग पीरियड कहते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग या IF एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपने वेट को कंट्रोल करने का विद सम अदर हेल्थ बेनिफिट्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में आज की वीडियो में, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, और अगर चाहते हैं आपको मिले नोटिफिकेशन अगली वीडियो का तो बेल का आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है आपके पेट और इंटेस्टाइन में, फिर ये ऑब्जर्व होता है आपके ब्लड में शुगर या ग्लूकोज की फॉर्म में। सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच कैलोरीज एंड शुगर यू ईट, योर पैनक्रियाज विल रिलीज इंसुलिन एंड हेल्प बॉडी टू स्टोर ग्लूकोज इनटू योर सेल्स। दिस ग्लूकोज मे बी यूज्ड एज एन एनर्जी और स्टोर्ड एज अ फैट। सो आइडियली इफ यू ईट टू मच ऑफ कैलोरीज इन टू लेस अमाउंट ऑफ टाइम, obviously you tend to gain lot of weight due to spiked insulin. Also, अगर आपका ब्लड शुगर हर वक्त या ज्यादा देर तक एलिवेटेड रहता है तो बहुत चांसेस होते हैं टाइप 2 डायबिटीज होने के, क्योंकि बहुत ज्यादा शुगर होने पे पैनक्रियाज को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है ज्यादा इंसुलिन। तो होता ये है कि धीरे धीरे बॉडी की कैपेबिलिटी कम हो जाती है इंसुलिन को बनाने की। बॉडी की इसी कंडीशन को कहा जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके साथ ही बॉडी नहीं कर पाती ब्लड शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट, और ना ही बॉडी कर पाती है एनर्जी को सेल्स में स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, विच इन टर्न्स पोजेस लॉट ऑफ हेल्थ कंसर्न्स। बहुत सारी रिसर्च और स्टडीज में ये पाया गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ना ही इंप्रूव करती है आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को, बल्कि इट कैन इवन रिवर्स योर टाइप 2 डायबिटीज। तो आइए बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की कितनी तरह की होती है ये फास्टिंग और उसके बेनिफिट। सो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग इज 16:8 रेशियो इंटरमिटेंट फास्टिंग। इस फास्टिंग में आप अपनी ईटिंग विंडो को रिस्ट्रिक्ट करते हैं 8 आवर्स के लिए, और आपकी फास्टिंग विंडो होती है 16 आवर्स की, यानी 8 आवर्स आपको खाना खाना है और 16 आवर्स यू नीड टू बी ऑन फास्टिंग स्टेट। फीस्टिंग विंडो यानी 8 आवर्स विंडो में आप 2 से 3 मील्स ले सकते हैं, जिसमें आप मेक श्योर करें कि आप अपने मैक्रोस और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली बैलेंस करके खाएं। 16:8 रेशियो इंटरमिटेंट फास्टिंग का बेस्ट मेथड है अगर आप रात 9 बजे अपना लास्ट मील लेते हैं, देन यू वुड बी स्किपिंग योर ब्रेकफास्ट नेक्स्ट डे एंड हैव योर लंच बाय अराउंड 1 PM। सो टेक्निकली यू विल बी इन फास्टेड मोड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू विल बी स्लीपिंग। इट इज बिलीव दैट यू शुड नॉट स्किप योर ब्रेकफास्ट, बट बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग आर सो फिनोमिनल दैट इट आउटरन एनी अदर ड्रॉबैक। फास्टिंग विंडो में आप ढेर सारा पानी पी सकते हैं, आप ले सकते हैं कॉफी एंड अदर जीरो कैलोरीज ड्रिंक जैसे ग्रीन टी, जो आपको हंगर क्रेविंग्स कम करने में हेल्प करेगा। दोस्तों अनदर मेथड ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग इज 5:2 रेशियो फास्टिंग, जिसमें आपको 5 दिन अपना रेगुलर मील लेना है अपनी रिकमेंडेड कैलोरीज इनटेक के अकॉर्डिंगली, और 2 दिन रिस्ट्रिक्ट करना है 500 to 600 कैलोरीज तक या 1/4 ऑफ क्वांटिटी जो भी आप डेली इनटेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्ट मंडे एंड थर्सडे यू कैन हैव योर नॉर्मल मील्स, और मंडे एंड थर्सडे को आप ले सकते हैं 2 स्मॉल मील्स ऑफ अराउंड 250 to 300 कैलोरीज। सो दोस्तों नेक्स्ट मेथड इज Eat Stop Eat, which involves 24 hours of fast once or twice per week. फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप डिनर करते हैं 7 बजे शाम को, तो आपका नेक्स्ट मील होगा डिनर ही नेक्स्ट डे सेम टाइम यानी 7 बजे। यू कैन ऑल्सो ट्राई फास्टिंग फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू ब्रेकफास्ट और लंच टू लंच, द एंड रिजल्ट विल बी सेम। सो दोस्तों इस फास्टिंग में भी पीजिए आप ढेर सारा पानी ताकि भूख लगे आपको कम, और साथ में ले सकते हैं आप कॉफी विथ नो शुगर एंड नो मिल्क, और यू मे हैव ग्रीन टी एज यू लाइक। लेकिन अगर आप कर रहे हैं इस फास्टिंग को वेट लॉस के लिए, तो मेक श्योर यू ईट normally during feasting window. 24-hour fast may be very difficult to some of you. In the beginning it's better you go with 16:8 ratio fasting. तो दोस्तों next is alternative fasting. इसमें 24 hours का fast रखते हैं, every alternate day means आप full fasting करते हैं एक दिन छोड़ के, और जैसे मैंने कहा beginners को हो सकती है मुश्किल full day fasting में, तो आप अपना सकते हैं same 16:8 या 12:12 ratio intermittent fasting. Intermittent fasting की वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन जो मेन बेनिफिट है वो है ये। इंटरमिटेंट फास्टिंग या IF ना ही आपके LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बट इट ऑल्सो रिड्यूसेस योर ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि एक मेजर रीजन है हार्ट स्ट्रोक या वेरियस हार्ट डिजीजेस का। अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस, IF हेल्प्स कंट्रोलिंग योर ब्लड शुगर लेवल, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, इंक्रीजेस लॉन्जिविटी एंड इंक्रीजेस HGH या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। Increased human growth hormones in turn helps improving your body composition and metabolism. तो दोस्तों किसे नहीं करनी चाहिए intermittent fasting? Those who are training hard or into any kind of sports should consult some fitness expert or doctor before going for IF. Also someone who is pregnant and breastfeeding should avoid doing intermittent fasting. तो दोस्तों ये थी टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग और इसके बेनिफिट। आज का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए मेरे को, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके इस वीडियो में नीचे। और अगर आप चाहते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो का आपको आई नोटिफिकेशन तो बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा।